बेबी छः महीने से ऊपर का हो गया है और बेबी को आप अब सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे से खाए पिए बच्चे के खाने में इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चा खाने में बिल्कुल आनाकानी ना करे या फिर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करता है तो आज की वीडियो आपके लिए है मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो कि फॉलो करके आप बच्चे के खाने में इंटरेस्ट बना सकते हैं और बच्चे को खाने का ये प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा साथ ही बच्चों के खाने का जो प्रोसेस है ना इसको आसान बनाने के लिए पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि है लव लैब का टेबल वेयर सेट लव लैब का बिब और स्पून्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो चलिए अब टिप्स जान लेते हैं नंबर वन टिप है कि आपको बेबी को इंडिपेंडेंट बनने देना है इसका मतलब ये है कि जब आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि अपने हाथ से जो है स्पून पकड़ पाता है अपने मुंह तक लेकर जा पाता है तो बेबी को आपको एनकरेज करना है कि वो खुद से खाना खा पाए तो इससे जो है बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बनता है नंबर टू टिप है कि आपको जो है बेबी के लिए जो भी खाना सेलेक्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए यानी कि अगर आप बच्चे को रोजाना एक ही चीज़ देते हैं और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है तो बच्चे का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को जो भी आप स्टार्टिंग में देते हैं वेजिटेबल प्यूरी दे रहे हैं फ्रूट प्यूरी दे रहे हैं या फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो उनके खाने में कुछ कलर्स ऐड करने की कोशिश कीजिए या फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है आपने बच्चे को चीनी नमक देना स्टार्ट कर दिया है तो उसमें जो है टेस्ट भी बच्चे को डिफरेंट आना चाहिए रोज़ एक तरह की चीजें जब आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे का कहीं ना कहीं खाने में इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है तो बच्चों को जब वैरायटी ऑफ फ़ूड देते हैं इसके साथ साथ आप बच्चे को किस तरह से मतलब सर्व कर रहे हैं ना खाना ये भी बहुत मैटर करता है तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चे के लिए जब भी आप खाना दें उनके लिए कलरफुल प्लेट्स में दे सकते हैं उनकी जो स्पूंस वगैरह हैं वो कलरफुल होने चाहिए उस पर कुछ कुछ कार्टून्स बने होने चाहिए तो ये चीज़ें क्या है बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं बच्चे को लगता है कि कुछ स्पेशल है और उसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए तो ये सब चीज़ें भी आप बच्चे को खाना खिलाने के लिए ट्राई कर सकते हैं बच्चे का अच्छा इंटरेस्ट बनता है तो पीहू के लिए जो मैं बैम्बू डिनर सेट यूज़ करती हूँ ना ये बैम्बू के नेचुरल फाइबर से बना हुआ है और ये किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल जो है इसमें नहीं हुआ है साथ ही साथ ये एंटी ऑयल है इज़ी टू वॉश है और इसमें किसी तरह का स्क्रैच नहीं आता है तो इससे जो एक हाइजीन मेंटेन रहता है ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाना खिलास में तेल चिपका रह गया या स्क्रैच आ गए फिर उसमें गंदगी जमा होती है तो ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है और इसका डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव है काफ़ी कलरफुल है और जो उसमें कार्टून करैक्टर्स बनते हैं ना तो इससे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खाने में इंटरेस्ट शो करते हैं ये जो सेट है ना ये हल्का है और बच्चे भी इसको आसानी से पकड़ सकते हैं और इसको आप डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं इसके अलावा जो मैं ये स्पून यूज़ कर रही हूँ वो है लव लैब की टाइनी लव हीट सेंसिटिव फीडिंग स्पून और ये कोई आ, मतलब मामूली स्पून नहीं है ये चम्मच में स्पेशल क्या है देखिए इस स्पून को जब आप किसी गरम खाने में डालते हैं ना और अगर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है ज़्यादा गरम है खाना तो ये जो स्पून uh, का कलर है वो नीले से जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो आपको पता लग पाएगा कि खाना अभी ज़्यादा गरम है और बच्चे को भी नहीं खिलाना है तो मैं पीव के लिए ऐसे इसको यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है खाना ज़्यादा गर्म है तो मैं इस टाइम नहीं खिलाती हूँ थोड़ा ठंडा होने देती हूँ जब उसका कलर चेंज हो जाता है वापस स्पून का तो फिर मैं पीऊ को खिलाती हूँ इसके अलावा ये जो स्पून है ये फूड ग्रेड मटेरियल का बना हुआ है इसका टिप जो है ना सिलिकॉन है तो ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ चोट पहुँचेगी बच्चा भी अगर इससे खाता है तो बच्चा सेफली खा सकता है बच्चे को कहीं चोट लगने का कोई भी डर नहीं है इसको बच्चे को पकड़ना जो है स्पून को बहुत ही आसान होता है ये थैलेट और लेड फ्री है नंबर थ्री टेप के बच्चे को जो है किसी भी चीज़ का लालच नहीं देना है खाना खिलाने के लिए कई बार मैंने इसे पेरेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है वो परेशान हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है ये चीज़ आप फिनिश कर लो जल्दी से ख़त्म कर लो फिर मैं आपको एक कैंडी दूंगी या फिर ऐसे बोलते हैं कि हम आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे हम आपको मॉल ले जाएंगे तो ये जो इस तरह के लालच है ना ये मत दीजिए बच्चे को इससे क्या होता है ना बच्चे की अनहेल्दी हैबिट्स जो है डेवलप होती हैं बच्चा जो समझ जाएगा कि अगर मैं ये खाऊंगा तो बच्चा खुद से डिमांड करेगा ठीक है मैंने अभी खा लिया अब आप मुझे कैंडी दो या मुझे चॉकलेट दो तो ये गलती आपको नहीं करनी है टिप नंबर फोर कि आपको क्या करना है कि जब भी बेबी को खाना खिलाते हैं आप तो कोशिश कीजिए कि वो टाइम हो जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं आपकी फैमिली में अगर आप सिर्फ आ, मम्मी पापा हैं तो भी बच्चे साथ के साथ बैठ कर खाना खाइए फिर घर में और भी लोग हैं तो आप डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठ के बेबी के, के साथ खाना खाइए शुरुआत से ही जब बच्चा जो शुरुआत से चीज़ें देखता है ना तो बच्चे को समझ में आता है वो रूटीन कि हाँ ये टाइम है जब हमें खाना खाना होता है साथ साथ जब आपके सामने वो खाना खाते हुए देखेगा ना आपको तो बच्चा काफ़ी चीज़ें लर्न करता है कि ये एक तरीका है जिससे हमें खाना खाना चाहिए वो खुद खाने की भी कोशिश करता है तो ये भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए बच्चे के साथ शुरुआत से ही टिप नंबर फाइव तो देखिए जब बच्चा खाना खाना स्टार्ट करता है या फिर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है तो बच्चे को जो है खाना एक्सप्लोर करने दीजिए एक्सप्लोर करने का मतलब है कि बेबी को आप खाना खाने के लिए दीजिए और उसको बोलिए कि अब वो खुद से खाए तो वो जो है खाने को देखेगा उसको लेने की कोशिश करेगा कई बच्चे जो हाथ में पकड़ के उसको पूरा जो है मतलब ख़राब भी कर देते हैं अपने कपड़े भी गंदे कर देते हैं पूरा घर गंदा कर देते हैं पर ये एक टाइम है जब बच्चा जो है ना खाने की प्रोसेस को समझ रहा है अभी तो ये मत सोचिए कि बच्चा गंदा कर रहा है सब कुछ उसका एक टेबल या जो भी आप लगाइए अच्छे से और उस पर बैठकर बच्चे को वो खाना दीजिए और बच्चे को जो है करने दीजिए जो वो कर रहा है तो जब बच्चे के साथ करने देंगे ना बच्चे को फूड के साथ खाने के साथ जो है एक्सप्लोर करने देंगे तो बच्चे का खाने में धीरे धीरे करके एक इंटरेस्ट डेवलप होता है तो बेबी के लिए बिब की जब बात कर रहे हैं तो मैं बात करना चाहूँगी लव लैब के बिब की ये आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं क्यों यूज़ करना चाहिए क्योंकि देखिए ये बी -पी और पी फ्री है हंड्रेड सॉफ्ट सिलिकॉन से बना हुआ है इसको आ, आप ईजिली वॉश कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं वाटर है कई बार होता है ना बिब बच्चों के लिए आप यूज़ करते हो फिर उसको वॉश कर देते हो वो सूखता ही नहीं है काफ़ी टाइम तक तो ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होगी और साथ ही साथ इसका कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है आप गर्ल्स बॉयज़ किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो तो ये अट्रैक्टिव कलर देख ना बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये जो बेब है ना इसके एजेस जो है बिल्कुल भी शार्प नहीं है ऐसा नहीं है कि बच्चे को किसी तरह की चोट लग सकती है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और चार इसमें बटन्स दिए गए हैं देखिए तो इससे क्या होता है बच्चे की नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट करके इसको पीछे बांध सकते हैं नेक में और लास्ट टिप है टिप नंबर सिक्स देखिए कई बार बच्चे खाना कम ज़्यादा खाते रहते हैं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहा है और खाना खा ही नहीं रहा है तो अगर ऐसा केस है ना तो ऐसे केस में आपको अपने पेडिट्रिशन से अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए वो बेबी को जो है अच्छे से चेक करेंगे और आपको बेबी को वो कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए तो अपने डॉक्टर की राय जो है एक बार ज़रूर लीजिए तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो और इन जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप देखेंगे कि बच्चे का खाने में इंटरेस्ट डेवलप होगा इन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप लवलैप या फिर अमेजोन की साइट पर जाकर देख सकते हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है कोई भी अगर आपका सवाल है बच्चे के खाने से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग